नमस्कार दोस्तों, फूड डिवाइन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे मशरूम टिक्का। बहुत ही इजी और सिंपल रेसिपी है। तो फ्रेंड्स, चलिए हम देख लेते हैं मशरूम टिक्का बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। एक पैकेट हमने मशरूम को अच्छे से वॉश करके रखा हुआ है। यहाँ पे हमने बड़े स्लाइस में शिमला मिर्च को काट के रखा है। मैंने 2 टुकड़ा लाल शिमला मिर्च और 6-7 हमने हरे वाले लिया है और 4 टुकड़ा हमने येलो वाले लिया है। और आप इसमें तीनों में से कोई भी एक का भी यूज कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि तीनों कलर के शिमला मिर्च चाहिए हमें। और प्याज को हमने ऐसे स्लाइस में काट के रखा है और सभी क्यूब्स को हमने अलग कर लिया है। 2 प्याज का है ये। 1 चम्मच बेसन ले लिया है हमने। 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1/2 चम्मच गरम मसाला, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, नमक लेंगे हम स्वाद अनुसार, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर और हमने लिया है 250 ग्राम दही। तो फ्रेंड्स, चलिए सबसे पहले हमें मशरूम को मैरिनेट करना है। एक हम बाउल ले लेंगे, इसमें डालेंगे दही, बेसन और सभी मसाले हम इसमें ऐड कर देंगे। हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाले, धनिया पाउडर और नमक। अच्छे से हम सभी चीजों को हाथ से मिला लेंगे और मशरूम को हमें कम से कम आधे घंटे मैरिनेट करके छोड़ना है। तो सबसे पहले हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है। अब हम डालेंगे इसमें मशरूम। साथ ही हम शिमला मिर्च और प्याज भी डाल देंगे और सभी चीजों में हम अच्छे से मसाले की कोटिंग कर लेंगे। अच्छे से ऊपर से नीचे हम मिक्स करेंगे। फ्रेंड्स, मेरे चैनल में पनीर टिक्का का भी रेसिपी है, अगर आप चाहे तो वहां से देख सकते हैं। लीजिए, अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसे ढक के कम आधे घंटे रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। आधे घंटे बाद वापस आते हैं। फ्रेंड्स, 1 घंटे हमने मैरिनेट के लिए इसे रखा था। अब हम इसे स्टिक में भरेंगे और जिस स्टिक में हमें इसे भरना है उसे हम आधे से 1 घंटे पहले पानी में भिगो के रख दें। अब हम पहले 1 शिमला मिर्च भरेंगे, 1 प्याज। आप यहाँ पे अपने हिसाब से भर सकते हैं। 1 मशरूम डालेंगे हम, फिर से 1 शिमला मिर्च, 1 प्याज, 1 मशरूम। इसी तरीके से हम सभी स्टिक को बना के तैयार कर लेंगे। पहले शिमला मिर्च, प्याज और मशरूम। अच्छे से मशरूम सॉफ्ट हो गया है।
देखिए लीजिए, हमने सभी स्टिक को भर लिया है। एक हमने पैन ले लिया है, इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा बटर, आप चाहे तो तेल से भी बना सकते हैं। बिल्कुल थोड़ा सा हम बटर ऐड करेंगे, ब्रश से हम इसे चारों ओर फैला देंगे। मैंने कैमरा ही ऑन नहीं किया। अब हम इसमें ये मशरूम के स्टिक रख देंगे। एक ही बारी में जितना आएगा हम थोड़ा थोड़ा दूरी पे रखते जाएंगे। तीन चार मिनट हम एक तरफ अच्छे से सिकने देंगे, उसके बाद हम इसे पलट देंगे। गैस का फ्लेम हम लो टू मीडियम कर देंगे। इसे हमें चारों तरफ से पलट पलट के रोस्ट करना है। कुछ देर बाद हम इसे पलट देंगे दूसरी तरफ। देखिए अच्छे से सीख गया है एक तरफ, तो ऐसा ही हमें दो तीन मिनट बाद बाद इसे पलटते रहना है और चारों तरफ से हमें इसे रोस्ट करना है। फिर से एक बार पलट देंगे। जिस तरफ कच्चा लगेगा हमें उस तरफ हम पलटते रहेंगे। देखिए ये चारों तरफ से हमारा सिक गया है, इसे अब हम निकाल लेंगे। फ्रेंड ये हमारा चारों तरफ से हो गया है, लेकिन देखिए जो अंदर वाला मशरूम और मसाले हैं वो अच्छे से सिका नहीं है। तो मैं आपको एक तरीका बताती हूँ, अगर तवे में आपका ये अच्छे से ग्रिल नहीं होता है तो हम ऐसा करेंगे, इसे हम डायरेक्ट चूल्हा में इस तरीके से सेकेंगे। देखिए इससे क्या होगा, अच्छे से मसाले भी हमारा रोस्ट हो जाएगा और चारों तरफ से शिमला मिर्च प्याज और मशरूम भी सिक जाएगा। देखिए आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे से ये सिक रहा है और बिल्कुल अंदर तक, जहां हमारे तवे में ये अच्छे से रोस्ट नहीं हो सकता है वो हमारे ये डायरेक्ट चूल्हे में हो रहा है। देखिए तो फ्रेंड्स इसी तरीके से भी हम कर सकते हैं, तो आपको जैसा सही लगे, जो भी आपको आसानी लगे वैसे आप करके इसे रोस्ट कर सकते हैं। लीजिए सभी हमारा मशरूम टिक्का बनके रेडी है। थोड़ा सा हमने बटर को मेल्ट कर लिया है, इसमें हम ऊपर से बटर ब्रश कर देंगे। ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसे डाल सकते हैं, नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आज का रेसिपी आप मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ये मशरूम टिक्का आप अपने घर में एक बार ज़रूर ट्राई करें। लीजिए तो फ्रेंड्स आशा करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको आज का वीडियो मेरा पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए मेरे नीचे दिए गए मेरे चैनल के लोगो में आप क्लिक कर सकते हैं, और लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाए। और मेरे चैनल के दूसरा वीडियो देखने के लिए आप अपने राइट में क्लिक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स नए वीडियो के साथ फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।